कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने बढ़त के साथ फ्राइडे को कारोबार होता हुआ देखा था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूएस का में कारोबार नहीं है और वॉल्यूम्स बाकी कंट्रीज में भी काफी कम होने की वजह से बहुत ज्यादा मूव्स फिलहाल बाजार में नहीं है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की। यहां पर निचले स्तरों से फिर से खरीदारी के मौके हमने निकलते हुए देखे हैं, यहां पर कैसी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड्स पे क्या है, इसके बेनिफिट्स, कैसे काम करना चाहिए, किन कमोडिटीज में आप इनको कर सकते हैं, इन सब पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे टाटा एसेट मैनेजमेंट के हेड कमोडिटी स्ट्रेटजिस्ट अरविंदो गायन से। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी गेन्स पिछले हफ्ते में देखने को मिले हैं। एंड जतिन, जैसे रशिया ने कहा है कि 5-7% वो उत्पादन घटा सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, रशिया ने कहा है कि वो प्रोडक्शन कम करेंगे, और अगर हम बॉल्टिक मूवमेंट देखें रशिया की तरफ से तो उसमें दिसंबर के महीने में ऑलरेडी 20% की गिरावट देखने को मिली है। कैसे देखते हैं रशिया के स्टेटमेंट्स और उसका इंपैक्ट कच्चे तेल पर? यस मनीषा, जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन रखा है पिछले हफ्ते 10 दिन से हम देख ले तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिवर्स हुआ है और रिकमेंडेशन जो है वो कहीं ना कहीं बाइंग साइड पे जो है वो रुझान हमारा बना हुआ है। यूएस की तरफ से जो इन्वेंट्रीज के नंबर्स थे उसमें भी हमने देखा था कि जो नेगेटिव साइड का जो नंबर्स है वो ज्यादा सपोर्टिव रहा है क्रूड ऑयल के लिए, और जो रशिया की तरफ के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आगे चलते हुए जो वो प्राइसेस को हायर लेवल्स पे और भी सपोर्ट करते हुए देखने मिल सकते हैं। और जिस तरह से WTI ब्रांड जो है वो लेवल्स होल्ड कर रहे हैं $75 और $77 के रिस्पेक्टिवली, तो मुझे लग रहा है ये आगे चल के और जो है वो स्ट्रेंथन जो मार्केट है वो और पकड़ते हुए देखने मिल सकता है। इमीडिएट बेसिस पे मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ अराउंड घरेलू बाजार में 6900 से लेके 7000 के आसपास जो लेवल्स है वो एक बार के लिए पहले जरूर छूने जाएंगे, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने मिल सकता है क्योंकि हम जब उस लेवल से पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट 15-20% की जो गेन्स है लोअर लेवल से वो रजिस्टर हो जाएगी, तो वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने मिल सकता है, बट वो सिर्फ एक छोटा सा रेजिस्टेंस है मेरे लिए। आगे चलते हुए जो डेवलपमेंट्स अगर शायद देखने मिलते हैं जिस तरह से अभी चल रहे हैं तो ये लेवल्स जो इजीली ब्रेक होंगे और हायर साइड पे जिस तरह से मैंने बताया कि 7000 इमीडिएट बेसिस पर एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद जो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो 7400 के पास आता है और सेम WTI का रिफ्लेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं 85-87 के बीच में पड़ता है। जी मनीषा जी, नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहां पर यूरोपियन यूनियन और यूके के गैस प्राइसेस में इस साल हमने गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ देखा है, क्लोजिंग ऑन द नेगेटिव साइड है। यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस अभी 25% के इजाफे के साथ यहां पर इस साल में काम कर रहे हैं, आज ऑफकोर्स 0.5% की गिरावट के साथ आपकी स्क्रीन पर। जतिन, यहां पर क्या व्यू है? मनीषा, अगर ओवरऑल आउटलुक देखें तो वोलेटिलिटी जो है वो ये डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी, बड़ा रेंज जो है वो 550-570 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है, लोअर लेवल्स पे 400 के आसपास जो अभी प्राइसेस आ रहे हैं तो M6 से वहां से एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है और सेम उसका जो हम देख रहे हैं कॉमिक्स की तरफ 490 और 4.85 ये जो डॉलर टर्म्स में जो सपोर्टिव जोन है वो एक अच्छी खासी लेवल्स जो है वो प्ले आउट कर दी। मुझे लग रहा है ये रेंज जो है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए जिस तरह से अभी हम विंटर सेशन के अंदर मिक्स्ड सेट ऑफ सीजनैलिटी के हिसाब से जो वेदर रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उसके लिहाज से हम ये वॉलिटिलिटी देख रहे हैं तो ये और कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन ब्रॉडली में देखने जाऊं तो फिलहाल पिछले एक क्वार्टर का अगर देखने जाएंगे परफॉर्मेंस तो वीक रहा है, तो ये नेचुरल गैस का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा विपरीत रहा है इस विंटर सेशन में, तो ये आगे चलते थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है और वीकनेस जो है शायद और कंटिन्यूड रह सकती है। हायर लेवल्स पे सेलिंग करना ज्यादा फेवरेबल रहेगा जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए, हालांकि अभी प्राइसेस जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ है तो थोड़ा वेट कीजिए, 500 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तभी ये एक सेफ प्ले रहेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी को देखते हुए 450 से लेकर 475 इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस है, वहां पर भी सेल करके चल सकते हैं जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए कॉल रहेगा, लोअर लेवल्स पर 375 के टारगेट्स के लिए हायर लेवल्स पर सेल ऑन प्राइस की स्ट्रेटेजी बनाकर रखे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मेरी एडवाइस। ऑलराइट, तो यू हुआ यहाँ पर एनर्जी एज अ सेक्टर पे, लेकिन बात जतिन आपकी क्या होगी टॉप कॉल यहाँ पर मेटल्स में और आप क्या फंडामेंटल्स वॉच कर रहे हैं? फेवरेट्स तो यही रहा है मनीषा जी, कॉपर और जिंक जो है वो ज्यादा फेवरेबल रहते हैं क्योंकि ट्रेडिंग वाइज देखने जाएंगे तो वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा उसमें ही देखने मिलते हैं और पार्टिसिपेशन भी उसके अंदर ही है, सो एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इजीली मिल जाते हैं इसके अंदर, और बाकी की बेस मेटल्स के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच और थोड़ा टाइम पीरियड जो ज्यादा रहे। लेवल वाइज देखने जाएंगे तो बहुत ही सिमिलर लेवल्स हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इमीडिएट बेसिस पे ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा आगे चलते हुए, 755-760 ये लेवल्स जो है वो वॉच आउट करने के हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्गली प्लेस रहेंगे आगे चलते हुए, और लोअर साइड में 700 से लेके 680
ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है इमीडिएट बेसिस पर देखने जाएंगे तो। थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखने जाएंगे तो जब तक 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कॉपर के अंदर बहुत बड़ी बेरिशनेस जो है वो नहीं दिख रही है, और हायर साइड पे 850 840 के लेवल्स जो है वो ये भी मुमकिन है कि प्राइसेस वहां पर भी जा सकते हैं इस 2023 के जो साल के अंदर है। लेकिन 755 760 जैसे मैंने बताया इमीडिएट बेसिस पर एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्गली क्लोज की जरूरत है वीकली बेसिस पर, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रैली जो है उसके ऊपर ही देखने मिल सकती है। लेकिन जो अभी ट्रेड वाइज देखने जाएंगे शॉर्ट टर्म में तो उनके लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो है बिटवीन 760 एंड ऑन द लोअर एंड 680-685 इस रेंज के अंदर ट्रेड, ये ज्यादा फेवरेबल है। पॉइंट टेकन, यानी कि एज ऑफ नाउ अनसर्टेनिटी बाजार में काफी ज्यादा है, एक नैरो रेंज यहां पर कॉपर में निकल के आ रही है और कॉपर जिंक पर आपकी नजर होने की जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया लेकिन कुणाल जतिन साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे कि स्प्रेड्स के द्वारा आप कैसे कमोडिटीज में कारोबार कर सकते हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।